चलिए दोस्तों चलते हैं जयपुर के सुप्रसिद्ध फतेह सागर झील पर, जहाँ पर झरना लगातार बह रहा है और हम वही दृश्य देखने के लिए फतेह सागर झील पर जा रहे हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए और बिल्कुल आना चाहते घूमने के लिए तो बिल्कुल गाड़ी का सिग्नल हाथ दीजिए और तैयार होकर पहुँच जाइए नेक्स्ट सिटी की सबसे खूबसूरत सुप्रसिद्ध फतेह सागर पर। आज की दृश्य आपको देखने को मिलेगा फतेह सागर की, जो कि हमारी लाइफ लाइन है और बहुत ही खूबसूरत झील है। तो यहाँ पर आपको हर तरह का स्वाद का जो है आनंद वो भी मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं कितनी भीड़ अभी यहाँ मौजूद है, भीड़ यहाँ पर मौजूद है। और चलिए बिना देर किए हम बताते हैं आपको फतेह सागर के खूबसूरत नज़ारे। हमारे उड़ रहे हैं और लगातार पुलिस लगी हुई है, ऐसी पुलिस सब जगह लगे तो कितना अच्छा रहे, मज़ा आ जाए। देखो पानी गहरा है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। झीलों की नगरी का ये खूबसूरत दृश्य फतेह सागर का, यहाँ फुहारे भी चालू है और पानी भी चालू है। छल छल करके हवा के साथ फुहारे का पानी भी आ रहा है। झीलों की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो आप देख रहे हैं फतेह सागर बिल्कुल पानी जाते हुए। तो अभी अभी का ताज़ा दृश्य है, आप देख रहे हैं 13 सितंबर 2024 शाम को 5 बजे का दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहां मेरे चैनल पे खूबसूरत दृश्य आप सभी के लिए स्नेहपूर्वक पूरा सागर छलक छलक कर रहा है और बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य है। तो ये गिरता हुआ पानी धीरे धीरे फतेह सागर के ऐसा लग रहा है कहीं गेट हो गए हुए खुले हैं। बड़ी दूर से आए तो ऐसा है हमारा उदयपुर का ये फतेह सागर, गिरता हुआ पानी लोग तरस जाते हैं देखने के लिए और कितना खूबसूरत नज़ारा आप देखिए किस तरह से पानी जो है चला जा रहा है पानी। देखने वालों की संख्या भी बहुत बड़ी है। पंछी देखिए दाना चुग रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है।
तो कल जल जुलनी एकादशी है, भगवान श्री कृष्ण की डोल यात्रा पूरे नगर में निकलेगी, पूरे देश में निकलेगी। और देखिए कितने खूबसूरत जिले लबालब है, इंद्र देवता की कृपा है, प्रकृति की कृपा है कि उदयपुर में अच्छे बरसात जो है वो हुई है।